नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंडी टेक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो 5-पिन सॉकेट और दो 2-पिन सॉकेट इनका कनेक्शन करना बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों साथ में जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो 5-पिन सॉकेट और दो 2-पिन सॉकेट का कनेक्शन कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं फेज के लिए ले रहा हूँ ये रेड वायर और ये ब्लैक वाली वायर ले रहा हूँ न्यूट्रल के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इस बोर्ड में जो फेज के कनेक्शन है वो कर लेते हैं, उसके बाद न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हमें इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे और इस पॉइंट को इससे आपस में कनेक्ट करना है। अब इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करना है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर हमारे इस बोर्ड में फेज के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम इस बोर्ड में न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं ब्लैक वायर। सबसे पहले हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे इस बोर्ड के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमने रेड वायर ली है वो फेज के लिए है और जो ब्लैक वायर है वो ली है हमने न्यूट्रल के लिए। अब दोस्तों हम इस बोर्ड में बाहर से मेंस के कनेक्शन करेंगे। जो फेज है वो फेज के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों चार पॉइंट दिए हैं, इनमें से फेज का कनेक्शन किसी भी पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर इसमें चार पॉइंट दिए हैं न्यूट्रल के लिए, हम इनमें से किसी के साथ भी जो न्यूट्रल है इसे कनेक्ट कर सकते हैं।
अब दोस्तों मैं इस बोर्ड को आपको चेक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों हमारे पास इस बोर्ड को चेक करने के लिए एक बल्ब है, इसी बल्ब से मैं आपको इस बोर्ड को चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर जो बोर्ड हमने तैयार किया है ये डायरेक्ट है, इसमें कहीं भी कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, इसलिए यहाँ पर सभी पॉइंट एक साथ चालू हैं। अब मैं आपको एक एक पॉइंट को चेक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इस 5-पिन सॉकेट को चेक कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों। नेक्स्ट 2-पिन को चेक कर लेते हैं, ये भी दोस्तों यहाँ पर चालू है। उसके बाद ये नेक्स्ट 2-पिन है, इसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये भी सही से काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट 5-पिन है इसे चेक कर लेते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बोर्ड सही से काम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 2 5-पिन सॉकेट और 2 2-पिन सॉकेट के कनेक्शन कैसे करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।